हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई थिंक सारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके बायोलॉजी क्लासेस में और मेरे चैनल फ्रिक्वेंसी ट्यूटोरियल पे। मैं हूँ डॉक्टर किरण वत्स और हमने मोनेरा का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हमने मोनेरा को शुरू किया था और किंगडम मोनेरा में हमने कुछ एक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं और ये पढ़ा है कि किंगडम मोनेरा में अर्थ के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे आते हैं। अब हम बैक्टीरिया के बारे में कर चुके हैं, इनकी क्लास भी कर चुके हैं। अब आगे आज जो हमें करना है वो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। देखो बच्चों, आपने सुना होगा कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं और कई सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हमेशा नुकसान ही देते हैं। तो मतलब बैक्टीरिया क्या है, कुछ एक यूज़फुल होते हैं और कुछ एक हार्मफुल होते हैं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया और उसके बाद पढ़ेंगे हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती हैं? ठीक है, तो कई सारी होती हैं। सबसे फर्स्ट हम लिख देंगे बैक्टीरिया में लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है इसके क्या इम्पोर्टेंस है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो कर्ड फॉर्मेशन में उसका यूज़ किया जाता है और साथ में चीज़ फॉर्मेशन में भी यूज़ किया जाता है। कर्ड फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है, चीज़ फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। ओके, सेकंड इंसेक्टिसाइड्स। बैक्टीरिया का यूज़ जो है वो एज ए इंसेक्टिसाइड्स भी किया जाता है, मेनली किस केस में? बीटी कॉटन एंड बीटी टोबैको विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या है, बैसिलस ट्यूरिंजिनेसिस बैक्टीरिया जो है इसमें ऐसी जीन होती हैं जो एज ए इंसेक्टिसाइड्स रिएक्ट करती हैं। तो अगर इन जीन को हम किसी प्लांट के अंदर इंसर्ट करवा देते हैं तो प्लांट्स में भी कैपेसिटी आ जाती है कि उसमें इंसेक्ट जो हैं उसके ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। थर्ड इम्पोर्टेंस देखते हैं कौन सी है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में किस तरह से यूज़ होता है बैक्टीरिया का? सो बायोटेक्नोलॉजी क्या है बेटा? बायोटेक्नोलॉजी एक साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम लिविंग की हेल्प से नई नई टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, लिविंग के ऊपर नई नई टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया जो है एज ए होस्ट यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो प्रेजेंट होते हैं डीएनए की फॉर्म में, एक सर्क्युलर डीएनए प्रेजेंट होता है और एक इलॉन्गेटेड होता है। इलॉन्गेटेड को न्यूक्लियोइड बोल दिया था और सर्क्युलर जो था उसको प्लाज्मिड बोल दिया था। सो प्लाज्मिड क्या था? एक्स्ट्रा सर्क्युलर डीएनए। तो प्लाज्मिड को ही बैक्टीरिया में से बाहर निकाल लेते हैं और उसके पास बहुत सारी साइट होती हैं, प्लाज्मिड की बहुत सारी साइट होती हैं। तो किसी पर्टिकुलर साइट को कट करके जिन जीन को हमें ट्रांसफ़र करना होता है किसी एनिमल में, किसी ह्यूमन बींग में, उन जीन को उसमें इंसर्ट करवा देते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया का एज ए होस्ट। ओके, बैक्टीरिया यूज्ड एज ए होस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी। ओके, और यहाँ पे याद रखने के लिए लिख देंगे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का यूज़ किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, फाइबर रेटिंग में बैक्टीरिया का यूज़ होता है। हाँ जी, होता है। फाइबर रेटिंग में क्या किया जाता है, जैसे कि जूट, बास्ट फाइबर या फिर फ्लोएम फाइबर, ये जो फाइबर है जब इन फाइबर्स की रेटिंग की जाती है तो जो सॉफ्ट फाइबर होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, हार्ड को अलग कर देते हैं, सॉफ्ट को अलग कर देते हैं। और किसकी हेल्प से वो सेपरेशन होता है? बैक्टीरिया की हेल्प से होता है। तो यहाँ एग्जांपल एक बार इसमें देख लेते हैं। कोलेस्ट्रीडियम,
ओके तो ये हमने बेटा कुछ ही कभी पढ़े हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया का यूज़ किस किस तरह से होता है। और कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बैक्टीरिया का यूज़ और कहाँ कहाँ पे होता है। सीवेज ट्रीटमेंट वाटर की प्योरिफिकेशन में भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी क्या है, बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन सीवेज ट्रीटमेंट वेरियस एरोबिक बैक्टीरिया यूज्ड। बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया जो है उनका यूज इसमें कर लेते हैं। एरोबिक से आपको मतलब समझ में आ गया होगा, जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन में ही अपना रेस्पिरेशन करते हो और उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हो, तो इनकी हेल्प से क्या है, वाटर जो है उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद है सेल्युलोज डाइजेशन। सेल्युलोज के डाइजेशन में भी कुछ टाइप के बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। अब जो सेल्युलोज का डाइजेशन है उसमें कौन से टाइप के बैक्टीरिया यूज़ होंगे, रूमिनोकॉकस बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, रूमिनोकॉकस बैक्टीरिया। ठीक है, रूमिनोकॉकस बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने अंदर से एंजाइम को रिलीज करते हैं, सेल्युलेज एंजाइम। और सेल्युलेज एंजाइम क्या करता है, सेल्युलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, तो ये हमने पढ़ दिया कि सेल्युलोज का डाइजेशन किस तरह से बैक्टीरिया करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी। ठीक है, तो क्या है, ई कोलाई जो है वो क्या कर रहा है, विटामिन बी के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है और उसके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। कुछ एक बैक्टीरिया जो है वो यूज़ होते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर्स की तरह भी बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। तो कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को हम क्या बोल सकते हैं, बायो फर्टिलाइज़र बोल सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है वो कौन कौन से बैक्टीरिया कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोकॉकस नाइट्रोमोनास। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, राइजोबियम। तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं ये एज ए बायो फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये थे हमारी कुछ एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बैक्टीरिया की। अब हम कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट पढ़ रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। यूज़फुल तो है ही है, पर साथ साथ में ये क्या करता है, कुछ हार्मफुल चीज़ों को भी करता है। हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ बैक्टीरिया जो है उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट कौन कौन से हुए, सम बैक्टीरिया कॉज डिजीज़। कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं हम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली ट्यूबरक्यूलोसिस को कॉज करता है, विब्रियो कुलेरी कुलेरा को कॉज करता है, ट्रिपैनोसोमाइसिस
सोमा पेलीडियम स्लिपिंग सिकनेस कॉज करता है। ओके तो ये क्या है कि कुछ एक हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो डिजीज़ कॉज भी करता है। अब एक और हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं इसका, नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन ना करते हों उनको हम बोलते हैं नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो नहीं कर रहे हैं वो क्या करते हैं, दे कॉज फूड पॉइजनिंग। तो ये क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, और ये नाइट्रोजन के फिक्सेशन में कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। तो इसका मतलब एज ए बायो फर्टिलाइज़र इनका कभी भी कोई यूज़ नहीं हो सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हार्मफुल होते हैं, और सिर्फ ये क्या करते हैं, फर्टिलिटी के रेट को कम करवाते हैं, बल्कि फर्टिलाइज़र की तरह रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये कुछ एक हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं। बैक्टीरिया जो हैं उनके यूज़फुल इफ़ेक्ट भी हैं और हार्मफुल भी हैं। नेक्स्ट अभी हम करेंगे कि कुछ एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो बैक्टीरिया से भी काफ़ी छोटे हैं, मतलब उनका साइज़ जो है वो बैक्टीरिया के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, बट फिर भी हम उनको किंगडम मोनेरा में इंक्लूड नहीं करते हैं। वो क्या हैं कि भाई वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, बट फिर भी हमने उनको किंगडम मोनेरा में इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, किंगडम मोनेरा में नहीं किया है, फिर भी एक्सेप्शन करके हम उनको किंगडम मोनेरा में ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। सम माइक्रोब्स, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया बट नॉट इन्वॉल्व इन किंगडम मोनेरा। हम उनको नहीं रख रहे हैं किंगडम मोनेरा में, बट वो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, और अगर बैक्टीरिया से छोटे हैं तो भाई बैक्टीरिया तो पूरे जो फाइव किंगडम सिस्टम पड़ा है सबसे छोटे बैक्टीरिया ही आते हैं, बट इनसे छोटे भी हैं, तो हम फिर भी उनको किंगडम मोनेरा में नहीं रख पा रहे, और उसके अलावा जो दूसरे किंगडम है उनमें भी नहीं रख पा रहे हैं, तो हम एक्सेप्शन करके इन्हीं मोनेरा में ही पढ़ते हैं उसको। तो कौन कौन से एक बार देख लेते हैं, माइकोप्लाज्मा वायरस वायरॉइड्स प्रायंस लाइकिंस। ओके तो ये हैं, एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका वेरी स्मॉल, तो क्या है, वेरी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से काफ़ी छोटा होता है। सेल वॉल नॉट प्रेजेंट, बैक्टीरिया पे सेल वॉल होती है बट इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। थर्ड, सर्वाइव इन एनएरोबिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन में सर्वाइव करता है ये, एनएरोबिक कंडीशन में, O2 के एब्सेंस में। ठीक है, रिएक्ट एज ए पैरासाइट, मतलब डिजीज़ कॉज करता है ये डिजीज़ कॉज करता है। ओके तो माइकोप्लाज्मा है ये, बहुत छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा की, डिजीज़ कॉज करता है, और इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, PPLO, PPLO इज़ द प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर कोई हमसे ये पूछ रहा है कि भाई सबसे छोटी सेल का नाम बताओ जिसके ऊपर सेल वॉल है, तो हम बैक्टीरिया का नाम लेते हैं, बट अगर कोई हमें ये कहता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताओ जिस पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो हम माइकोप्लाज्मा का नाम लेते हैं। तो माइकोप्लाज्मा जो है ना तो इसके ऊपर सेल वॉल है जो कि एक बैक्टीरिया का कैरेक्टर होता है,
तो हम किंगडम मोनेरा में नहीं रख सकते हैं। दूसरा, ये हमेशा पैरासाइट की तरह ही रिएक्ट करता है। थर्ड, ये हमेशा एनएरोबिक कंडीशन में ही सर्वाइव कर सकता है। ओके, तो यह माइकोप्लाज्मा। सेकंड देखते हैं वायरस। वायरस इट इज ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अ सेल्यूलर का मतलब क्या है कि इसमें एक पूरी तरह से डिफाइंड सेल प्रेजेंट नहीं होती है, कोई ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती है। अगर तो ये किसी होस्ट की बॉडी में है तो ये लिविंग है, और अगर होस्ट की बॉडी से ये बाहर है, एनवायरनमेंट में है, तो ये नॉन लिविंग है। इसका मतलब क्या है कि हम ना तो पूरी तरह से श्योर हैं कि इसको लिविंग ही बोले, ना हम इस चीज़ पे श्योर हैं कि इसको नॉन लिविंग बोले। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर होस्ट में है तो लिविंग हो जाएगा, और अगर एनवायरनमेंट में है तो ये नॉन लिविंग हो जाएगा। इसलिए हमने बोला है सेल्यूलर, या फिर बोल सकते हैं कि क्या है कि ऑब्लिक पैरासाइट होता है। ये भी क्या है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, इससे भी स्मॉल होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए और डीएनए, दोनों जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल कवर्ड बाय ए प्रोटीन दैट इज कैप्सिड एंड फॉर्म्ड फॉर्म्ड ए लेयर, चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग बना दी, तो उस कवरिंग को क्या बोल देते हैं फिर, कैप्सोमेयर। क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको, पहले भी वायरस के बारे में आपने पढ़ रखा है। तो क्या है वायरस, इसको असेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, स्मॉल होता है बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि हम जो वायरस जो है वो किसी प्लांट में है या किसी एनिमल में है। जेनेटिक मटेरियल जो है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है प्रोटीन की, जिसको कैप्सिड बोलते हैं, और जो कवरिंग जो है, सॉरी, जो प्रोटीन है उसको कैप्सिड बोलते हैं, जो पूरी कवरिंग बन गई है उसको कैप्सोमेयर बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, इफ वायरस कंटेन आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, अगर मान लिया कि जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो उस वायरस को हम क्या बोलेंगे, रेट्रोवायरस। क्या बोलेंगे उसको, रेट्रोवायरस बोलेंगे। ठीक है, देखो अब क्या है कि कोई भी सेल है, जैसे ये एक सेल है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है तो सेल किस तरह से काम करती है, किस तरह से काम करती है, देखो सेल क्या करेगी, सबसे पहले डीएनए जो है इसका वो बनाएगा एमआरएनए। ओके, और फिर आरएनए जब बन गया तो उससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। कैसे काम होता है, जो ये जेनेटिक मटेरियल है इसका, यहीं से शुरुआत होती है कि जो ये डीएनए है वो आरएनए बनाता है। आरएनए के तीन टाइप होते हैं बेटा, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, तो उनमें से एमआरएनए बनता है। तो डीएनए से पहले आरएनए बना, आरएनए से बन गया प्रोटीन, ये प्रोसेस चलते है किसी नॉर्मल सेल के अंदर। और जो डीएनए से एमआरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जो एमआरएनए से प्रोटीन बन गया इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बन गया तो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और अगर एमआरएनए से प्रोटीन बन गया तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये नॉर्मल है जो सीक्वेंस से जो प्रोसेस चल रही है। ठीक है, अब मान लिया कि वायरस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल कैसा हो, अगर डीएनए हो, दोनों बोले ना मैंने डीएनए आरएनए, अगर डीएनए हो तो ये प्रोसेस चलेगी, तो ठीक है, नॉर्मल है। बट मैंने अभी कहा है कि वायरस में क्या होता है,
कुछ एक वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है, आरएनए भी होता है। जैसे कि एचआईवी एड्स कॉजिंग जो वायरस है एचआईवी, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो उसमें किस तरह से प्रोसेस चलती है ये वाली, अब वहाँ पे डीएनए से तो शुरुआत होगी नहीं, कहाँ से शुरुआत होगी, आरएनए से। तो पहले आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, और फिर एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, ऐसा होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, डीएनए से आरएनए, यहाँ पे आरएनए से डीएनए, उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया तो इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब उल्टा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। और फिर ये डीएनए से एमआरएनए सेम यही है, तो मतलब यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। और फिर एमआरएनए से प्रोटीन, तो मतलब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ये कब होगा, अगर वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए होगा, और ये कब होगा, अगर वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, डीएनए होगा। ठीक है, तो मेनली जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जो है वो किस में होता है, और डीएनए जो है वो मेनली किस वायरस में होता है। अगर हम प्लांट्स के केस की बात करें, तो जो वायरस प्लांट्स पे हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं, मेनली उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का होता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ किसकी, एनिमल्स की, अगर मैंने एनिमल्स की बात की, तो एनिमल्स के अंदर जो वायरस है उनका कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। आई थिंक आपको क्लियर है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि भाई नॉर्मल ये चीज़ चलती है, अगर डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, वायरस में वैसे दोनों होते हैं, किसी वायरस का आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल और किसी का डीएनए होता है। अगर डीएनए होता है तो नॉर्मल प्रोसेस चलेगी कि भाई डीएनए से पहले क्या होगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से आगे क्या होगा, प्रोटीन बनेगा। डीएनए से एमआरएनए बनता है तो प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अगर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, ये नॉर्मल है। बट मान लिया कि किसी किसी केस के अंदर क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का वो आरएनए है, तो अब प्रोसेस कहाँ से शुरू हो रही है, आरएनए से शुरू हो रही है। तो आरएनए से शुरू हो रही है तो पहले आरएनए ने क्या बनाया, डीएनए, क्योंकि इसको बनाना ज़रूरी है। अब इसका क्या हो गया, उल्टा, उल्टा हो गया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और फिर डीएनए से बनेगा एमआरएनए, फिर से ट्रांसक्रिप्शन, और फिर एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, ये क्या है, फिर ट्रांसलेशन। तो इस तरह से प्रोसेस होती है, और ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उसको हम बोल देते हैं रेट्रोवायरस। एग्जांपल अगर आपको देना है तो एड्स कॉजिंग एजेंट जो है, या फिर एड्स कॉजिंग वायरस जो है वो एचआईवी वायरस है, उसको रेट्रोवायरस कहा जाता है। ओके, अब वायरस जो है इसको पहले विनोम के नाम से जाना जाता था। वायरस को पहले किसके नाम से जाना जाता था, विनोम। और विनोम का मतलब क्या होता है, टॉक्सिक या फिर पॉइजन। क्या मतलब होता है इसका, टॉक्सिक या फिर पॉइजन, इसका मतलब वायरस जो है वो क्या है, टॉक्सिक होता है और पॉइजनस एजेंट है। ये कभी भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं हो सकता है, ये हमेशा हार्मफुल ही होता है। तो क्या है कि विनोम, पहले वायरस को विनोम के नाम से जाना जाता था, बट वायरस का नाम जो है वो किसने दिया, वायरस का नाम किसने दिया, लुईस पाश्चर ने। किसने दिया, लुईस पाश्चर ने वायरस का नाम दिया। ठीक है, और उससे पहले, इसके नाम देने से पहले क्या कहा जाता था, विनोम कहा जाता था, जिसका मतलब क्या है, पॉइजन। ठीक है, इवानोवेस्की जो था उसने क्या किया था, सबसे पहले एक माइक्रोब को सेपरेट किया था, कहाँ से, प्लांट का जो सैप वाला पार्ट था वहाँ से एक स्मॉलेस्ट माइक्रोब को सेपरेट किया था, जिसको नाम क्या दिया था, वायरॉयड का नाम दिया था। तो इवानोवेस्की जो है उसने ट्यूबैको मोशेक वायरस के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था, ट्यूबैको मोशेक वायरस के बारे में बताया था। और जनरली ये जो ट्यूबैको मोशेक वायरस है ये क्या करता है,
डिजीज़ कॉज करता है प्लांट के ऊपर, नाम से ही लग रहा है, ट्यूबेको मोशेक वायरस। तो इसके अलावा क्या है कि ये पोटैटो ट्यूमर डिजीज़ को भी कॉज करता है। किसको? पोटैटो ट्यूमर डिजीज़ को भी कॉज करता है। उसके बाद है बिजरिनिक जो था उसने एक कॉन्टेजियम विविम फ्लूडियम को सेपरेट किया था, फ्लूड का नाम रखा हुआ है, कॉन्टेजियम विविम फ्लूडियम को सेपरेट किया था, जिसको लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड भी कहा जाता है। मतलब क्या था कि जिसमें TMV ट्यूबैको मोशेक वायरस इस प्लांट में था, जिसको इन्फेक्टेड कर दिया था, उस फ्लूड को उसने लिया, इन्फेक्टेड फ्लूड को, और किसी नॉर्मल प्लांट में इंजेक्ट कर दिया, तो वो नॉर्मल प्लांट भी कुछ टाइम के बाद कैसा होगा, इन्फेक्शियस हो गया। ठीक है, तो ये किसने किया था? साइंटिस्ट ने। उसके बाद है स्टेनले। स्टेनले ने क्या क्या किया था? सबसे पहले क्रिस्टलाइज्ड TMV जो है उसको ऑब्जर्व किया था। तो ट्यूबैको मोशेक वायरस जो है उसका क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले स्टेनले ने दिया था। और जब इसने स्ट्रक्चर दिया था तो इसके लिए इसको एक नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इसके काम के लिए। उसके बाद है फिर ट्यूबैको मोशेक वायरस जो है उसका साइज़ कितना होता है, 300 नैनोमीटर × 20 नैनोमीटर। शेप पूछी जाती है कि शेप कैसी होती है, तो मेनली कैसी होती है, रॉड शेप जो है वो इसकी कॉमन शेप होती है। ओके, एक टर्म है साइनोफेजी और एक टर्म होती है माइकोफेजी। एक टर्म होती है साइनोफेजी और एक टर्म होती है माइकोफेजी। अब ये है क्या साइनोफेजी? क्या है? इफ वायरस इन्फेक्ट द साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी तो उसको बोल देते हैं हम साइनोफेजी। और बैक्टीरिया ऐसा करता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड DNA। उसके बाद है माइकोफेजी। क्या है? वायरस इन्फेक्ट द फंजाई। अगर वायरस किसी फंगस को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइकोफेजी। इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ओके, कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है वो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। एक और टर्म आती है बैक्टीरियोफेज। इफ द वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, मतलब एक ऐसी स्टेज है जिस टाइम पर वायरस जो है वो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो उसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं हम। ओके, क्या बोलते हैं उसको? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो बैक्टीरियोफेज जो है उसमें भी फर्दर इसके भी टाइप होते हैं बैक्टीरियोफेज के, कि कौन कौन से होते हैं। तो कोई भी वायरस जो है वो बैक्टीरिया को किस तरह से इन्फेक्ट कर सकता है। अब बैक्टीरियोफेज जो है वो जनरली डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। बैक्टीरियोफेज जो है वो कैसे होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होते हैं वो। ठीक है, उनका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। फर्दर टाइप है बैक्टीरियोफेज में, एक होते हैं QB बैक्टीरियोफेज, इसको सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कहा जाता है। दूसरे कौन से होते हैं? Feta 1x174 बैक्टीरियोफेज, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है। इनका है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और इनका जो है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। अब वायरस जो है वो प्लांट पे भी डिजीज़ कॉज करते हैं और ह्यूमन बींग पे भी करते हैं। तो कौन कौन सी प्लांट्स पे डिजीज़ कॉज करते हैं वायरस? ट्यूबैको मोशेक डिजीज़, ट्यूबैको मोशेक वायरस कॉज करता है। लीफ कर्ल ऑफ पपाया, पपाया जो है उसकी लीफ जो है वो कर्ल होना स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब प्री मैच्योरेशन डेथ होने के चांसेस होते हैं। पोटैटो लीफ रोल, तो ये डिजीज़ जो है ये वायरस किसी प्लांट पे कॉज कर रहा है। उसके बाद है ह्यूमन में एक है न्यूमोट्रॉपिक डिजीज़ जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है। डर्मोट्रॉपिक स्किन से रिलेटेड होती है। डर्मोट्रॉपिक कौन सी होती हैं? अगर वायरस स्किन से रिलेटेड डिजीज़ फैला रहे हैं। और क्या है? विस्रोट्रॉपिक, ये हमारे ब्लड वेसल्स से और जो हमारे सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं
उनसे रिलेटेड डिजीज़ होते हैं जो कि वायरस कॉज करता है। नेक्स्ट पॉइंट एक बार देखते हैं। वायरोइन क्या होते हैं? वायरोइन इट इज ए इन्फेक्शियस यूनिट ऑफ वायरस। ये क्या है? एक इन्फेक्शियस यूनिट होती है वायरस की, ठीक है। तो ये किससे कंटेन है? कंटेन द आरएनए, ठीक है। कंटेन आरएनए, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और प्रोटीन भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। या फिर हम लिख सकते हैं इट कंटेन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो वायरोइन क्या होता है? ये भी एक इन्फेक्शियस फॉर्म होती है वायरस की। तो इन्फेक्शियस फॉर्म है तो इन्फेक्शन कॉज करेगी। नेक्स्ट एक बार देखते हैं, प्रायंस क्या होते हैं? प्रायंस, इनको और क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड स्लो वायरस, स्लो वायरस भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो प्रायंस जनरली है क्या? दे आर प्रोटीनिशियस डिजीज कॉजिंग एजेंट। कैसे होते हैं? प्रोटीनिशियस होते हैं और डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं। द कॉज डिजीज इन ह्यूमन में ये कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? प्रायंस जो है कुरू डिजीज, कौन सी? कुरू डिजीज। और कुरू डिजीज जो है इसको हम कॉमनली और क्या बोलते हैं? लाफिंग डेथ। क्या बोलते हैं? लाफिंग डेथ बोलते हैं, ठीक है, जो कि प्रायंस कॉज करते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें एनिमल्स की, तो मेड काउ डिजीज, ओके। तो ये हैं जो प्रायंस कुछ एक डिजीज कॉज करते हैं, ह्यूमन बींग में करते हैं या फिर एनिमल्स में करते हैं। तो किस तरह से करते हैं? हमेशा क्या है, ये हार्मफुल ही होते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं क्योंकि हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट है वायरॉयड। वायरॉयड क्या होते हैं? सबसे पहले डियर डाइनियर ने इसके बारे में बताया था 1971 में, ओके। और ये क्या होते हैं? दे आर वेरी स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से भी छोटे होते हैं, बट क्या करते हैं? कॉज डिजीज, हमेशा डिजीज कॉज ही करेंगे, ठीक है। इन पे कोई भी कैप्सिड, इन पे जनरली क्या है कि कैप्सिड या फिर बोल सकते हैं कैप्सोमेयर प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेक्ड जेनेटिक मटेरियल होता है, कैप्सिड या फिर कैप्सोमेयर फ्री होते हैं ये। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है? वो भी बिल्कुल फ्री फॉर्म में होता है। जेनेटिक मटेरियल किसकी फॉर्म में होता है? आरएनए, ओके। किसकी फॉर्म में होता है? आरएनए की फॉर्म में होता है। डिजीज कौन सी कॉज करते हैं? पोटैटो ट्यूमर डिजीज, पोटैटो ट्यूमर डिजीज कॉज करते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है माइक्रोब में वो है लाइकेंस। अब ये लाइकेंस क्या होते हैं, ठीक है? They produce symbiotic association. They produce symbiotic association between the algae and fungus. मतलब lichens जो है वो एक तरह का symbiotic association होता है। Lichens एक तरह का symbiotic association होता है जिसमें कोई भी दो microbe जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को बेनिफिट देना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे एल्गी और फंगस दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रखा है दोनों ने।
तो एल्गी जो है वो तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है ग्रीन कलर की, ऑटोट्रॉपिक होता है, तो ये तो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है यहाँ पे। और फंगस जो है वो क्या करता है, फंगस वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है, फंगस, और साथ साथ में क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है और वाटर को एब्जॉर्ब करवाता है। और एल्गी क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है और खाना बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एल्गी के ऊपर फंगस डिपेंडेंट है खाने के लिए और फंगस के ऊपर एल्गी डिपेंडेंट है शेल्टर प्रोवाइड करवाने के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो इसको हम लाइकेंस बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, लाइकेंस बोल देते हैं। इसमें से जो एल्गी, लाइकेंस में जो एल्गी वाला पार्ट होता है, लाइकेंस जो है, लाइकेंस जो है इसमें जो एल्गी वाला पार्ट है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट, क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट। और इसमें से जो फंगस वाला पार्ट है उसको क्या बोल देते हैं, माइकोबायोंट। ओके, क्या बोल देते हैं, फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट। तो ये हमने किसके बारे में बताया है कि भाई कुछ एक ऐसे माइक्रोब होते हैं जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, बट किंगडम मोनेरा में फिर भी हम उनको नहीं रख पाते। ओके, अब नेक्स्ट हम यहीं से शुरू करेंगे अपना, किंगडम प्रोटिस्टा नेक्स्ट है हमारा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसकी मेन मेन क्या प्रॉपर्टी है, दे आर यूनिसेल्यूलर, यूकैरियोटिक एंड प्राइमरी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म इन प्रोटिस्टा शो द लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, प्राइमरी एक्वेटिक होते हैं, मेनली एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। तो जो प्रोटिस्टा जो था उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, पहले दो किंगडम सिस्टम तो थे हमारे पास, तो थर्ड किंगडम सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि भाई सारे ऑर्गेनिज्म ना तो प्लांट की प्रॉपर्टी शो कर पा रहे थे ना ही एनिमल्स की, तो कुछ एक ऐसे थे जो आधी प्लांट की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे आधे एनिमल्स की, तो उनको किसी न किसी किंगडम में रखना था, तो उसी के लिए किंगडम प्रोटिस्टा आया। तो एक बार हम देखते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस में कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसके बेस पर किंगडम प्रोटिस्टा को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जो है वो कौन से होंगे, ऑटोट्रॉपिक होंगे, ये होंगे हिटरोट्रॉपिक, और ये कैसे होंगे, ये होंगे सैप्रोट्रॉपिक। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है और सैप्रोट्रॉपिक है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक कौन से हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हों, तो इसका मतलब फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक भी बोल सकते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो इनमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जो है उसमें कौन कौन से टाइप के आएंगे, सबसे पहले है क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स या फिर क्राइसोफाइटा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, क्राइसोफाइट्स को गोल्डन एल्गी, क्या कहा जाता है, गोल्डन एल्गी। एग्जांपल इसमें दे देते हैं हम डायटम्स। ओके, गोल्डन एल्गी कहा जाता है, आगे हम डिटेल से करेंगे तो रीज़न बताऊंगे कि गोल्डन एल्गी क्यों कहा जाता है। सेकंड जो है वो है
पाइरोफाइट्स जो है इसको क्या कहा जाता है? फायर एल्गी। क्या कहा जाता है? फायर एल्गी कहा जाता है। ठीक है, एग्जांपल इसके अंदर ले लेते हैं हम किसका, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स। थर्ड जो है हमारा ऑटोट्रॉपिक में वो है युग्लिनोफाइट्स। और युग्लिनोफाइट्स को कुछ नहीं कहा जाता, युग्लिनोफाइट्स ही कहा जाता है। तो इसके अंदर आ जाएगा युग्लिना। ये क्या करता है? ये लिंक मेंटेन करता है किसमें? बिटवीन प्लांट्स और एनिमल्स। मतलब क्या है कि जब टू किंगडम सिस्टम था तो युग्लिना और कुछ एक और भी ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए जिनको ना तो प्लांटी में रख सकते थे ना ही हम एनिमिलिया में रख सकते थे। तो ये दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए इनके लिए नया किंगडम सिस्टम लाना ज़रूरी था। हेटरोट्रॉपिक जो हैं उसमें आते हैं प्रोटोजोन्स। क्या आते हैं? प्रोटोजोन्स आते हैं। तो देखते हैं प्रोटोजोन्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट सार्कोडीना जो है उसको कहा जाता है एमीबॉइड प्रोटिस्टा। क्या कहा जाता है? एमीबॉइड प्रोटिस्टा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आते हैं बेटा? इसमें आता है अमीबा, और क्या आता है? एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये लोकोमोशन करते हैं बाय शुडोपोडिया। शुडोपोडिया मतलब अपना एक फॉल्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसी से ये क्या करते हैं फिर आगे लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, और क्या आएगा इसमें? सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं हम पैरामीशियम, जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते रहते हैं। उसके बाद कौन सा आता है इसमें? जू फ्लैजिलेटेड में एग्जांपल दे देते हैं ट्रिपैनोसोमा पैलिडियम। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ओके, ट्रिपैनोसोमा पैलिडियम स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। और एक लास्ट जो है वो ले लेते हैं इसमें स्पोरोजोन जो है ये क्या है? स्पोरोजोन जो है उसको मैं इधर लिख रही हूँ ऊपर, स्पोरोजोन दे रिएक्ट एज ए एंडोपैरासाइट एंड दे हैव एनी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट। इसमें कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल दे देते हैं हम प्लाज्मोडियम जो कि एक क्या है? मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट। तो ये आ जाएगा स्पोरोजोन्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद है फिर सेप्रोट्रॉपिक सबको ही पता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से खाना बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे देती हूँ सीधा इसमें मैं, स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, और इसमें प्लाज्मोडियम का भी आ सकता है। तो एक बार आप ये चार्ट देख लो, इसमें हमने किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और उन तीनों पार्ट में हम देख रहे हैं कि कौन कौन से टाइप के प्रोटिस्टा उसके अंदर आएंगे। एक एक करके इनको डिटेल से समझना है अब हमें, तो पूरा लेक्चर एक बार अच्छे से एक बार पढ़ लेना। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर इस वीडियो में आपको कुछ पोर्शन बहुत अच्छा लगा हो तो उसको भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों बहुत जल्दी अगली वीडियो में इसे आगे वाले लेक्चर के साथ, क्योंकि अभी हमारा किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट हुआ है। तो
तो इसमें काफ़ी कुछ अभी करना है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू।